ओम शांति। आज है दीपावली का दूसरा और तीसरा, दोनों दिन इकट्ठे हैं, नरक चतुर्दशी और दिवाली। अब नरक चतुर्दशी और दिवाली दोनों की आपको बधाई हो। आप कहेंगे नरक चतुर्दशी की बधाई कैसे? नरक चतुर्दशी अर्थात जो भी जीवन के अंदर नरक बनाने वाले कर्म हैं, विचार हैं, दृष्टि है, वृत्ति है, आचार है, व्यवहार है, हम उन सभी को मिटा दें। अर्थात ये अंधकार है और इस अंधकार को मिटाने के लिए हमें दीपक जलाने होंगे, रोशनी लानी होगी, प्रकाश लाना होगा, उजाला लाना होगा, तब तो ये अंधकार नष्ट होगा। तो इस अंधकार को नष्ट करने के लिए पहले तो हम अपना अंदर का भीतर का दर्पण देखेंगे, जो भी हमें उसमें नरक बनाने वाली वाले अवगुण हैं, जो भी नरक बनाने वाले बुरे विचार आचार व्यवहार हैं, हम उनको इकट्ठा कर और बाहर फेंक कर आएं। और फिर हम आकर के और श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाले अर्थात रोशनी, प्रकाश, उजाला, वो करने के लिए हम दीपकों को जगाएंगे। क्योंकि श्री लक्ष्मी नरक की धरती पर अपने पैर नहीं रख सकती, वो एक पूज्य श्री देवी है, उनके पैर पवित्र धरती पर ही पड़ते हैं। यही कारण है हम साफ सफाई करके घर को पवित्र बनाते हैं, ताकि श्री लक्ष्मी जी का आवाहन करें तो श्री लक्ष्मी जी का हमारे पास आगमन हो और हमें स्थूल धन समृद्धि, और जो श्री लक्ष्मी जी गुणों का धन देती है, शक्ति का धन देती है, उसे भी हम प्राप्त करें। ओम शांति। फिर से आप सभी को नरक चतुर्दशी और दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो।